लिक्विड की प्रॉपर्टीज जब पढ़ते हैं तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर की. लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट के, दे आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन. कॉन्टिन्यूस मोशन की वजह से दे हैव सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी जब मूव कर रहे हैं दे हैव द कैपेबिलिटी कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं दे जस्ट फ्लाई ऑफ द सर्फेस, मतलब सर्फेस से वो बाकी सारे बल्क को, लिक्विड को छोड़कर एटमॉस्फेयर में चले जाएं. जैसा कि वाटर, वाटर एक लिक्विड है, और वाटर की इवेपोरेशन मतलब सर्फेस से वाटर के मॉलिक्यूल्स का वेपर्स बनना, जिसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं, ये हर टेम्परेचर पर हर वक्त हो रहा है. लेकिन अगर हम एक क्लोज्ड सिस्टम को ऑब्जर्व करें, जिसमें हमने एक लिक्विड लिया है एक क्लोज्ड सिस्टम में, ठीक है, लिड ऑफ लिड से उसको बंद कर दिया, एंड वी वांट टू नो कि कौन कैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है ना उसकी सरफेस से एस्केप किए हैं, ठीक है, इवेपोरेशन हुई है, क्या प्रोसीजर चल रहा है ऑन अ सर्टेन टेम्परेचर. यहाँ पे एक सिस्टम दिखाया गया है विच इज अ क्लोज सिस्टम, एंड इसमें कुछ एक लिक्विड है, ठीक है. मीन वाइल यहाँ पे एक मरकरी का हमने एक स्केल लिया है विच सजेस्ट विच इज अ मैनोमीटर, जो कि हमें हेल्प करेगा टू मेजर द प्रेशर. और राइट साइड पे एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर रेट लिया गया है. दो किस्म के रेट, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन डिस्कस करेंगे. देखें, बिफोर वी स्टार्ट के क्या होगा इस क्लोज्ड सिस्टम में, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दे हैव द टेंडेंसी, क्या अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से दे हैव द टेंडेंसी टू एस्केप द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द बल्क ऑफ द लिक्विड एंड बिकम वेपर्स, गैशियस फॉर्म में चले जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर. बट चूंकि ये क्लोज्ड सिस्टम है तो मॉलिक्यूल जो है जो एस्केप किया है इट विल मूव अबाउट इन द वेजल, फ्री स्पेस जो वेजल का है उसमें मूव करेंगे एंड इट विल स्ट्राइक द वॉल. इसके अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी है दैट अपनी ये वेजल की वॉल से स्ट्राइक करेगा एंड इट कैन ऑल्सो स्ट्राइक द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है. जब सर्फेस ऑफ लिक्विड से स्ट्राइक करेगा सो इट माइट बी रिकैप्चर्ड इन टू द लिक्विड. जब लिक्विड के वेपर्स जो हैं बनते हैं और वो दोबारा लिक्विड सर्फेस पर रिकैप्चर हो जाएं तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है. अब यहां पे जब हम एक पर्टिकुलर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी एक सिस्टम का, तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स सरफेस से ज्यादा एस्केप करते हैं. क्लोज सिस्टम होने की वजह से वो मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते करते वापस लिक्विड में रिकैप्चर भी हो जाते हैं, ठीक है. तो इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है. चलें इसको देखते हैं क्लोज सिस्टम में क्या होगा. पहले तो कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको दिखाया गया है दे आर इन मोशन एंड मे बी वन और टू विल एस्केप द सर्फेस, दैट इज इवेपोरेशन. और ये देखिएगा ग्राफ में इवेपोरेशन की लाइन से हमने एक वैल्यू स्टार्ट कर दी है. सो इवेपोरेशन इज अ फिनोमिना हर टेम्परेचर पर हो रहा है, ठीक है. इसी तरह से जब ये मॉलिक्यूल्स एस्केप कर गए हैं दे विल स्ट्राइक विद द वॉल्स एंड दे विल ऑल्सो विल स्ट्राइक द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, मे बी रिकैप्चर्ड, तो कंडेंसेशन होगी. तो जो कंडेंसेशन है उसका ग्राफ भी राइज करना शुरू किया, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ रहा है. और इक्वल मैग्नीट्यूड से इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का जो फिनोमेना है ये प्रोसीड करेगा एंड देन वी विल रीच अ पॉइंट जहां पर रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल. ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है जिसमें वेपर्स बन भी रहे हैं और वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट भी हो रहे हैं. अगर इस डायनामिक स्टेट में जब वेपर्स लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, इस वक्त अगर लिक्विड का प्रेशर मेजर किया जाए तो वो उसका वेपर प्रेशर होगा, ठीक है. अब अगर देखें तो जब हमने ये एनिमेशन स्टार्ट किया तो जो मरकरी के कॉलम्स थे उनमें कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन अब जो राइट साइड पे ये हमारा जो मरकरी का कॉलम है वो राइज करता जा रहा है, मीन्स टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा है. सो इट स्टार्टेड मेजरिंग द प्रेशर एंड द डिफरेंस ऑफ द हाइट्स ऑफ दीज प्रेशर जो मरकरी के कॉलम्स हैं उनकी जो हाइट्स का डिफरेंस है दैट विल सजेस्ट कि वेपर प्रेशर कितना है लिक्विड का. डायनेमिक स्टेट है वेपर प्रेशर की, आप इसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं इस तरह से. लेकिन जब हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं यू विल ट्राई टू नो कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर को. तो अगर हमने क्लोज सिस्टम लिया है तो क्या लिक्विड की क्वांटिटी अफेक्ट करती है या वेजल का साइज अफेक्ट करता है और मे बी सर्फेस एरिया. ना तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ लिक्विड विच इज टेकन इन द सिस्टम और ना ही वेजल का साइज अफेक्ट करता है. और जहां तक सर्फेस एरिया की बात है तो ये सर्फेस एरिया इवेपोरेशन के लिए भी अवेलेबल है एंड पॉसिबिलिटी
के वेपर्स स्ट्राइक बैक करेंगे, रिकैप्चर हो जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगी उनकी, वो इक्विवेलेंट है इवेपोरेशन के. तो सरफेस एरिया इज ऑल्सो नॉट अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर. सो वट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर?